अस्सलामुअलैकुम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शोएब भाई भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अरे चले भाई, होल्ड ऑन। आपको ये बता दूं कि ये 2 दिनों का व्लॉग है, वीकेंड व्लॉग है। और इसमें ऐसा हुआ था कि सैटरडे को मैं आया था कहीं से, शोएब भाई का फ़ोन आया कि भाई जल्दी चलें, कहीं आउटडोर जाना है। तो फौरन हम तैयार हुए और दोबारा निकले। तो हम गए डॉल्फिन मॉल तारिक रोड, और वहाँ फिर हमने ये सिंबाद भी गए हैं और कॉफ़ी वगैरह से कॉफ़ी और सैंडविच ट्राई करा। तो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। अच्छा भाई, ये फूड कोर्ट में कॉफ़ी वगैरह के नाम से इनका आउटलेट है। इसमें हमने एक कॉफ़ी ऑर्डर किया कैफे वहाँ पर, और इसके अलावा हमने चिकन टोस्टी ऑर्डर किया है जिसमें हमने इसका गार्लिक मायो फ्लेवर ऑर्डर किया। तो ये प्रिपरेशन हो रही है, आप देख सकते हैं। क्या अपडेट है? अच्छा, मज़ा आ रहा है। बात नज़र आ रहा है, सबकी बातें। ये जो फेरिस व्हील है वो कहाँ का है? हिल पार्क है। अच्छा, हिल पार्क का सामने इंसान नहीं है। ये देखो भाई, इनका चिकन टोस्ट ही आ गया, इसमें चिकन अंदर और ये नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे चलिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह संडे का दिन है। और आज ये देखें, बाल कटवाने गए थे, बाल भी कटवा लिए, थोड़ा सा ये फ्रेश हो गए हैं, खत वत बनवा लिए। तो ये हमने अवेल किया टाइम को। और इसके अलावा दावतें भी आ रही है आगे, और दूसरे काम भी, और प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये बाल सबसे ज़बरदस्त है, ये देखिए चेक करें, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एसाडिया, मौजूद हूँ अपने घर पर। रात हो चुकी है, दिन में हमने बाल कटवाए थे, आपको दिखाया था, थोड़ा फ्रेश अप हो गए, और अब हम करते हैं डिनर और आपको दिखाते हैं कि डिनर में क्या है। तो फिर स्टार्ट करें। चले भाई, अपना सेटअप शुरू करते हैं और बिछाते हैं पहले ये कपड़ा, ताकि जो है आपका टेबल ख़राब ना हो। तो भाई ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये देखिए कपड़ा आ गया, और अब हम लाते हैं प्लेट्स। चले भैया, हमारा आ गया खाना। इसको आप फूड पांडा का नाम दीजिएगा। ये जो है हमारा होममेड खाना है, इसको हम ट्राई कर। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब हम अपना खाना शुरू करते हैं। टिफिन में आ गया है ये रोबज़ा लाल शरबत, आप कोई भी कह लें, रोबज़ा जामी शीरिन, जो भी आपको पसंद हो। हमें रोबज़ा पसंद है, हम रोबज़ा पीते हैं। चले भाई, इसको अनबॉक्स करते हैं। काफ़ी बड़ा टिफिन है और गर्मा गर्म है। चलो भाई, ये आ गया पहला बॉक्स। ओहो, और ये आ गया सेकेंड बॉक्स। अच्छा, अब आपको इसका थोड़ा सा क्लोजअप दिखाते हैं। ये देखें भाई, ये चाइनीज सालन, चाइनीज एक्चुअली मंचूरियन नहीं है, ये वाइट वाला है। और इसके साथ हमारे ये चाइनीज राइस, ये सारा होममेड है भाई। और इसको डालते हैं और ट्राई करके बताते हैं आपको।
इसमें गाजर और कैबेज की काफ़ी अच्छी मिकदार है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। और इसमें हम ये शिमला मिर्च और चिकन, इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मौजूद है। थोड़ा सा इसके प्लेट तैयार है और ट्राई करने के लिए रेडी। चलिए भाई, तो आपको ट्राई करके बताते हैं। थोड़ी सी हम लेंगे शिमला मिर्च और चिकन पीस, इसको अच्छी तरह गाजर और कैबेज के साथ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। काफ़ी बढ़ाने वाला है। देखिए, एक्चुअली आपको बताने का मकसद ये था कि कभी कभार आप घर में अकेले होते हैं तो भाई आपको ये सारे काम आने चाहिए। अच्छा, खाना मैंने नहीं पकाया, होममेड है, शरबत है कि मैंने खुद बनाया, ये हमारी भाभी ने दिया और बहुत ही टेस्टी है और गर्मा गर्मा है इसको। तो कहने का मकसद ये है कि कभी आप अकेले होते हैं तो ये सारा सेटअप भी आपको करना आना चाहिए और इसमें शर्माना नहीं चाहिए। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, इसे एंजॉय करें, हम खाना एंजॉय करते हैं। चले भाई, मैंने सोचा कि ये दूर दूर से दिखा रहे हैं, शायद नज़र आए ना आए, तो भाई इसका ये क्लोजअप देखें। ये चावल हैं और ये इसके सालन, ये देखें कितना हैवी फील्ड है। और ये जो मैं अपने प्लेट भरी है, इसमें देखिए ये शिमला मिर्च और ये प्याज, गाजर और ये चिकन पीस। अब हम आपको इसका क्लोज़अप दिखाते हैं, ये देखें, ये चेक करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वंस अगेन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब आपने इसका क्लोज़अप भी देख लिया, आपने देखा कितना हैवी फील्ड है, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मौजूद हैं। और हमारा ये रूह अफ़ज़ा, ये कैसे बोल सकते हैं, इसको पीने के बाद ठंड हो जाती है। तो हम इंशाल्लाह एंजॉय करते हैं अपना फूड। चले भाई, हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें अगर पसंद आए, और दूसरा ये कि कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे अंदाज़ा हो, मुझे पता चले कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लानी है और मुझे और क्या टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह जब तक ले नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।